दोस्तों आज हम आ गए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी के यहाँ पर रूफ पास। इनके पास हम पहले भी आ चुके हैं, आपने एक वीडियो बहुत पसंद की थी उसमें काठियावाड़ नस्ल का घोड़ा मैंने दिखाया था, एक घोड़ी दिखाई थी जो कि हमारे बिजेंद्र मामा ने बाद में ले ली थी, जिसका नाम था, मामा जी क्या नाम था उसका? काजल। उसका नाम काजल था। एक काठियावाड़ घोड़ा था इनके पास और एक था मारवाड़ी। आप लोगों ने वो वीडियो बहुत पसंद की थी तो हम दोबारा आ गए हैं यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि इनके पास बड़े कमाल के घोड़े रहते हैं। तो देखते हैं, क्या पता हमें इनके पास से ही कुछ पसंद आ जाए तो फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी बार भी यहाँ पर आते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। फटाफट से चलते हैं और मिलते हैं डॉक्टर विक्रम जी से। चलो जी चलो। ओ जोशी भाई पीछे जाओ। जोशी भाई, डॉक्टर विक्रम जी जी का तो घर यहाँ से थोड़ा दूर है, ये किसे घर में आए हम? भीमू। ये हैं उस्ताद भीमू जी, इनके पास आए हैं। सुना है कि ये भी अपनी घोड़ी का बड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल बनावट में रखते हैं घोड़ियों को। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? कहाँ? वहां अंदर वो घोड़ा है। चलो तो चलो। सबसे पहले दोस्तों जा रहे हैं भीमू जी के पास, इनके पास देखते हैं क्या माल खड़ा है। बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा है। मामा जी अंदाजा बता दो जल्दी से घोड़ी का, कितने इंची है? 60 तो होगी ना, बैठूंगा नहीं बिल्कुल भी। और इधर देख लो भाई बच्चा, अभी इतना बड़ा हो रहा है तेरा बच्चा? अच्छा, पक्की बात है झूठ की बात है? आ बेटे हो रहा साल तक। लो बिलो पूरी 60। अरे 60 ऐसे 3 इंच घटाता हूँ दूसरे घर भी अपने घर भी। देखते हैं थोड़ा चलने वलने में कैसी लगती है घोड़ी। जोशी भाई साइड हो जाओ, कभी लात वात लग जाए आपको। ये चार्ज हो गया भाई, बस रुक जा तुझे भी लेके जाएंगे बाहर। चलना। दोस्तों दोनों घोड़ा घोड़ी देख लिए हैं, ये बच्चा है ये घोड़ी है, ठीक है। अब जा रहे हैं एक स्टैलियन देखने के लिए, स्टैलियन है या नर घोड़ा है कुछ भी कह सकते हैं, उसे देखने के लिए जा रहे हैं। बता रहे हैं कि बढ़िया घोड़ा है, सारे घोड़े देख लेंगे उसके बाद फाइनल करते हैं, ठीक है। वहां जा रहे हैं भीमू जी और उधर से खोल के लाएंगे। ये देखें भाई घोड़ा, ये लाल कुम्मेत है शायद। जोशी भाई कौन सा कुम्मेत है? लाल तेलिया कुम्मेत घोड़ा, लाल कुम्मेत है ना, हम तो पहले कह रहे थे। ये देख लें भाई सुंदरता। इनके बारे में जो कहा जाता है ना कि घोड़ों को बना कर रखते हैं, बनाए हुए हैं यार सारे घोड़े। यहाँ पर ये घोड़ा लुटलुटी भी लगा रहा है, मुझे बड़े पसंद है वो घोड़े जो लुटलुटी लगाते हैं ना मालिक के साथ होते हुए। आराम से, कुछ हादसा भी हो सकता है ऐसे में। थकान उतार ली सारी, अब जा रहा है वापस से अपने घर में। लो भाई डॉक्टर विक्रम जी के घर आ गए हैं, अब दिखाता हूँ इनके घोड़े। तैयार हो जाओ। लो भाई पहला घोड़ा, दो हैं। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो इसी तरह का एक मारवाड़ी घोड़ा जो यहाँ पर बंधा हुआ था वो अच्छा डांस भी करता था, आज इसने उसकी याद दिला दी है, तो इसको बाहर निकलवा कर देखते हैं कि ये चलता कैसा है। सीधा चलेगा, सीधा
चलता हुआ घोड़ा देख लिया है, लेकिन अब इसको बांध देते हैं ताकि आराम से अपने शरीर को रिलैक्स कर ले। दोस्तों ऑलमोस्ट हमने काफी घोड़े देख लिए हैं, भीमू जी के भी घोड़े देख लिए हैं, विक्रम जी के भी घोड़े देख लिए हैं, लेकिन अब बस ये है कि सोचना समझना हमारा है। घोड़े अच्छे हैं, विक्रम जी के भी घोड़े आपने देख लिए हैं, ये बहुत अच्छा घोड़ा था, और दूसरे भीमू जी ने अपने घोड़े आपको दिखाई दिए होंगे, बना ठना कर बिल्कुल तैयार रखते हैं वो, देख लिए हैं। तो अब सोच विचार कर हमें देखना है कि हमें अपने लिए कौन सा घोड़ा बिल्कुल फिट रहेगा। 4, 5, 6, 7 जितने भी घोड़े हमने टोटल देखे हैं ना, आज घर जाएंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, थोड़े से भाइयों से अपने पूछेंगे, और तब देखते हैं कौन सा घोड़ा हम अपने घर पर लेकर जाने वाले हैं, यानी कि फार्म हाउस पर। बैठो बैठो बैठो। मैं भी सही सही जगह खड़ा हो यार, ऐसी बात नहीं। तो दोस्तों ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये है ब्रश और ये है मोहरा, यही सेम चीज अंशुल ने भी ली है अपने घोड़े के लिए, और यही सेम चीज ली है मैंने अपने कैप्टन के लिए। ठीक है, वीर और कैप्टन के लिए थोड़ा नया सामान ले लिया आज हमने, क्योंकि उनका जो पिछला सामान था ना, उनके साइज के बढ़ने की वजह से वो छोटा पड़ता जा रहा है, तो ये ले लिए हैं। अब इनको जाकर इससे तो खुरैरा हुआ करेगा उनके, और ये उसके मुंह पे लगेगा हमारे कैप्टन के। चलते फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और पहुंचते हैं अपने फार्म हाउस पर। दोस्तों अपने फार्म हाउस पर वापस जाने से पहले हम जा रहे हैं, एक आकाश त्यागी करके एक भाई हैं, आराम से उनके पास है बहुत अच्छे अच्छे घोड़े, लाइन के हैं मामा, पक्की बात है, लाइन के है ना, देख लेना। ठीक है, इस बात में देखते हैं भाई कितना दम है इनकी बातों में। कह तो रहे हैं कि लाइन के घोड़े हैं, लाइन के पसंद आते हैं अब तो यार, पूरा दम है, पूरा पक्की बात है। ठीक है, लाइन के घोड़े देख कर चलते हैं आकाश भाई के यहाँ पर, आकाश त्यागी चलते हैं। आम बरस रहा है। लो भाई पहुंच गए हैं आकाश भाई के फार्म पर, और यहाँ पर है सबसे पहले एक नुकरा घोड़ा, आहा, और वो घोड़ी अभी दिखाते हैं आपको, ब्लैक कलर का घोड़ा। चलो भाई चलो, मामा छेड़ना मत। अच्छा जी, सीधा है, दिखा रहे हो बच्चा, अरे ये खुला घूम रहा है। ए बच्चे आजा, हाँ इसके बाल उतरवा रखे हैं भाई गर्मी की वजह से शायद। ओ क्या लगता है दोस्तों, हमारे वाले से बढ़िया, ये तो बड़ा शरीफ सा बच्चा है, हमारा तो इतनी देर में भाई वहां से तो आ गए हैं। अब मामा जी को अलविदा बोलकर, अच्छा मामा जी ठीक है जी, मिलते हैं फिर जल्दी से नए टूर पर। ठीक है जी, ठीक है, राम राम जी। तो भाई आज का दोस्तों हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है, बहुत ही जल्दी हम एक घोड़ा फाइनल करने वाले हैं, शायद हमने कर भी लिया है, आज हम गाड़ी में सारे भाई बात करते आ रहे थे ना, शायद हमने ये घोड़ा फाइनल कर लिया है, बस पेमेंट वगैरह रह रही है, करते हैं और फिर जल्दी ही एक घोड़ा आने वाला है फार्म हाउस पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हून, ओवर एंड आउट।